आयत को भी सफाई करनी है, यहाँ की झाड़ू देखें तैबा लगा रही है और यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, फातिमा रामीन आया देखें सब उठ गए हैं, अबू देखें वहाँ पर अभी सोने के लिए आ गए हैं, ठंड लग रही थी तो दूसरे रूम में थे अब यहाँ आ गए, और आयु भी उठ गई है, मुस्तफ़ा वो रहा, आ जाओ बाहर चले आ जाओ आ जाओ, और ये देखिए फातिमा रामीन और तैयबा इन तीनों की दोस्ती हो गई, बल्कि ये तीनों फ्रेंड ही हैं। जी जी आपको क्या चाहिए चलो, और अभी मैं बाहर से आपको धुंध दिखाती हूँ कि धुंध कितना ज्यादा है, ये देखिए आज ठंड काफी ज्यादा है, कल से भी ज्यादा है आज तो ठंड, धुंध इतनी ज्यादा है, ठंड इतनी ज्यादा है, बकरियों को भी देखे ठंड लगी हुई है, इकट्ठी हुई हुई है, ये वाली देखे इनको भी ठंड लगी हुई है, यहाँ पे हल्की हल्की धूप आ रही है इसलिए ये ठीक खड़ी हुई। शानी शानी आयत भी देखो शानी शानी कर रही है, शानी के घर चल रहे हैं अभी, शिकन आयत देखो यहाँ पर आकर शिकन सीख गई, चिकन को शिकन बोलती, और ये आयत के फ्रेंड्स भी आ गए, छोटे छोटे से दो मेमने भी आ गए आयु के, और मेरे हस्बैंड देखे यहाँ पर आए हुए शानी बाजी के घर पर, सुबह सुबह ही सुहेल ने आग जलाई है ना, मुजम्मिल ने, मुजम्मिल बहुत तेज आग जलाता है, मुजम्मिल को आता ही नहीं तरीका, नहीं नहीं मुजम्मिल बहुत तेज आग जलाता है, वहाँ पर मेरी भी काफी हेल्प करता है आयत, यहाँ पर हाँ शिकन, अभी हम यहाँ से जाने लगे हैं, दूध वाले का इंतजार कर रहे हैं कि दूध वाला कब आएगा, दूध लेनी है, चाय बनानी है, आज तो काफी लेट कर दिया दूध वाले ने, कब आएगा इतना टाइम हो गया, अच्छा दूध वाला शुक्र है आ गया, वो देखिए वहाँ पर उस घर में दूध दे रहा है, और अभी यहाँ आएगा हमें दूध देगा तो हम यहाँ से जाएंगे, दूध वाला भी आ गया देखिए, आयत को दे दे आयत को दे दे, आयत खुद खिलाएगी, आयत को बड़ा शौक है खिलाने का, ओ छीन लिया उन्होंने, अब इसको भी चाहिए, देखो तीनों को चाहिए, आगे करें थोड़ा सा, हाँ ले चलो तीसरी ने खुद ही छीन ली है, ये देखें ये चौथी, इसको भी चाहिए मरियम, इसके भी आगे करो अब, उसने खा लिया अब इसको भी चाहिए, हाँ ये लो, और ये देखिए मेरी मामी जो है ना दूध ले रही है यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब, आई होप कि आप सब ठीक होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, और आयु को देखो आयु भी आ गई है, सुबह होगी हमारी दूध लेकर अभी हम आ गए, अभी हम चाय बनाने लगे हैं, नाश्ता बनाने लगे हैं, आज घर में जो है ना कौसर भी आ गई है, मेरी जिठानी भी आ गई है, काफ़ी सारे अभी फैमिली मेम्बर इकट्ठे हो गए हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, सब इन्जॉय कर रहे हैं, और अभी बस नाश्ता बनाना है, और इसके अलावा यहाँ पर ये देखिए मेरा पिंपल निकला हुआ है, दूसरा दिन है, और बहुत ज़्यादा ये ना मुझे पेन भी कर रहा है, अल्लाह करे कि जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए, और अभी हम चलकर अपना नाश्ता बनाते हैं, और ये देखें कल मैं इसको बैठने के लिए लाई थी, क्योंकि यहाँ पर जो है ना किचन में बैठने की जगह ही नहीं थी, मैं ईंटें रख के बैठ के नाश्ता बनाती थी, आज इसको बैठ के रख के मैं नाश्ता बनाऊँगी, इस तरीके की ईंट रख के हमने पहले गुजारा किया है, और अब जो है ना इस पर बैठना है और नाश्ता बनाना है, आज आग जो है ना कौसर ने और मेरी जिठानी राबिया बाजी ने आग जलाई हुई है, आटा भी गूंदा हुआ है, अभी बस मुझे नाश्ता ही बनाना पड़ेगा, और नाश्ता बन गया है, अभी जो है ना अब्बू को नाश्ता देने लगे, अब्बू ये लेना अंडा पराठा है, अब्बू आपको भी चाय पराठा खाना है, इन तीनों को मैंने चाय पराठा दे दिया है, और इन दोनों को देखिए मट्टी में ही खेल रहे हैं, कपड़े कितने गंदे कर दिए, फिर से चेंज कराने पड़ेंगे, आयु सारा दिन कपड़े गंदे करती है, अब्बू भी नाश्ता करने लगे, और ये देखिए मैंने अपना चाय वाला मग लिया था कल, और बस ये एक ही लिया था, इसके अलावा कुछ ये और बर्तन थे यहाँ पे यूज़ के लिए, वो भी अभी कुछ देर तक मैं आपको दिखाऊंगी, अच्छा है मग मामा का, आपकी शर्ट से मैच हो रहा है मुस्तफ़ा, दिखाओ सामने पकड़ो, सामने पकड़ो, शर्ट से मैच हो रहा है आपकी, पर देखिए हमने नाश्ता कर लिया, और अपने नए वाले मग में मैं अभी चाय पीने लगी हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है, जैसे ही हम नाश्ता करके बैठे हैं ना थोड़ी देर बाद आबिद भाई की कॉल आ गई थी कि ना मामू की तबीयत सही नहीं थी रात को, खैर उन्होंने मुझे नहीं बताया, अभी बताया कि रात हॉस्पिटल लेकर गए थे, अब तबीयत काफ़ी बेहतर है, और उस दिन भी मैं अपने मामू से नहीं मिल सकी, तो अभी मैं मेरी जिठानी जो है ना उधर ही जा रहे हैं, तो मैं रेडी हो गई हूँ, कैरी कर लिए, बच्चों में से कोई भी नहीं जा रहा, सिर्फ मैं मेरे हस्बैंड और मेरी जिठानी जा रहे हैं, तो मैं रेडी इसलिए जल्दी जल्दी हो गई हूँ, बस अभी निकलने लगी हैं, और गाड़ी भी उनकी है, गाड़ी भी वापस करेंगे, और वापसी पर फिर ऑटो में आएंगे, मम्मा जी बाय बाय, रामीन भी हमारे साथ जा रही है, हाँ आयत को साथ में लेकर आई, आयत सो रही थी, अच्छा ये जो हरा भरा घास दिखता है ना, जब भी मैं आपको यहाँ से जमीनें दिखाती हूँ, ये गंदम उगाई गई है, अभी छोटी छोटी है ना, हरी हरी निकली हुई है, चारों तरफ गंदम ही गंदम है, अभी गंदम का मौसम आया हुआ है, ये देखिए हर किसी ने गंदम उगाई हुई है, इसी साइड से उतरना है, अच्छा ये देखिए हम अपने मामू के घर आ गए हैं, ये सामने आगे फ्रंट पे ही गली है जिस गली से हमने जाना, आ जाओ मिशाल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी से आ जाओ,
अच्छा हम पहुंच गए हैं अभी अपने मामू के घर के बिल्कुल पास ही मैं पहुंच गई हूँ और मेरे हस्बैंड चले गए हैं सामान उनको लेना था, कल गेस्ट आने हैं उनके लिए यहाँ सिटी से सामान लेकर जाएंगे क्योंकि गांव थोड़ा सा दूर है हमारा और फिर सामान लेने में मसला होगा, कल गेस्ट आने हैं इसलिए। और गेस्ट कौन होंगे वो आपको कल की वीडियो में ही पता चलेगा। अभी बस हम अपने मामू के घर पहुँच गए। अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई, क्या हाल है? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मामू, क्या हाल है? आप भी यहाँ आ गए? अभी अभी पता चला मामू भी इधर आए। क्या हाल है खाला? क्या हाल है राशा बाजी? ठीक। क्या हाल है? ठीक। आप सुनाए, आप ठीक हैं? सामान ले लिए सारा? ले लिए बताएं, सामान ले लिए ना? अच्छा सामान ले लिए, बता दें। अच्छा यहाँ पर ये देखें खाना हो रहा है यहाँ पर इनका, और मामू की जो है ना तबीयत ठीक नहीं है, वो सो रहे हैं इसलिए मैंने उनकी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई। ये देखें मामू की बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे भी ज़्यादा बात नहीं की, अभी वो सो रहे हैं इसलिए हमने उनको डिस्टर्ब नहीं किया, सोने दिए। अभी मैं थोड़ी देर के लिए ऊपर छत पे आई थी, मामू की तबीयत यहाँ आकर पता चला कि मामू की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, वो बात भी नहीं कर पा रहे ज़्यादा ठीक से, तो इसी वजह से ज़्यादा मैंने आकर वीडियो कुछ भी शूट नहीं किया, अच्छा नहीं लगता उनके साथ। थोड़ी देर मैं बैठी हूँ, थोड़ी देर बातें की हैं बस, थोड़ी देर उनका सर दबाया है, उनके हाथ पाँव दबाए, उनको ठंड काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, तो बस अभी फिर मैंने उनको छोड़ दिया कि वो रेस्ट करें, फिर मैं दोबारा आऊँगी क्योंकि बच्चे पीछे अकेले हैं, तैयबा मुस्तफ़ा सब वहीं पर हैं और कल गेस्ट को भी आना, इस वजह से अभी वापसी जाना है, फिर मैं दोबारा मामू के पास चक्कर लगाऊँगी। यहाँ थोड़ी देर के लिए बस छत पे आई थी और अभी बस मैं जाने लगी हूँ। विशाल, विशाल आपने भी आयत वाला काम किया, ये देखिए आयत को भी कोई टॉय पसंद आ जाए ना विशाल की तरह उठा के ले जाएगी अपने साथ। अच्छा शहजाद भाई आ गए, तो शहजाद भाई के साथ जाएंगी राबिया बाजी और मैं अपने हस्बैंड के साथ चले। अच्छा यहाँ पर रुकी हैं किन्नू और गाजर का जूस पीने के लिए। अंकल ये बना दें एक जूस ना, दो तीन चार हैं, चार हैं बल्कि चार बनाने हैं, और किन्नू ज़्यादा डालने, गाजर कम डालिए, सही है। और यहाँ पर इनके बैठने की जगह है, हम यहाँ पर बैठे हैं। जूस हमारे आ गए हैं और कहाँ रह गए भाई, कहाँ गए? शहजाद भाई को भी बुला लेना सबके लिए जूस। राबिया बाजी आप भी उठा लें अपना। विशाल जूस अच्छा है? रो रही है टॉय के लिए, उसको पिला रही है। टैडी नहीं पी रहा, टैडी नहीं पी रहा, जूस पी लिया, चले चले शहजाद भाई। हाँ चलो बच्चों के लिए ना समोसे पकोड़े कुछ ना यहाँ से ले लें या फ्रूट ले लें, उनको भूख लग रही होगी, काफ़ी टाइम हो गया है। ये देखिए ये हमारा सिटी है जहाँ से हम अपना राशन लेने आते हैं, तकरीबन 10 से 15 मिनट का सफ़र है हमारे गांव से यहाँ तक आने के लिए, और कुछ भी हमें लेना होता है तो यहाँ पर आते हैं लेने के लिए। और अभी जो है ना यहाँ पर रुके हम फिश लेने के लिए, फिश लेकर जाएंगे बच्चों के लिए। और ये देखें गाड़ी हमने दे दी है वापस, बाइक पर आ गए जैसे कि कराची में सफ़र करते थे, और आगे देखें फुल शॉपर से हमारी बाइक भर गई है। चले मछली ले ली है, ये देखें एंड टाइम पे इन्होंने बंद कर दिया, ट्रेन आ रही है अब यहाँ पर, तकरीबन वेट करना पड़ेगा। ट्रेन इस साइड से आ रही है, दूसरी साइड से, इस साइड से आ रही है, और ये देखें ट्रेन भी आ गई, चली भी गई, चली गई ट्रेन, अब जल्दी से घूमने टाइम काफ़ी हो गया और ठंड भी लग रही है यहाँ पे, धुंध काफ़ी ज़्यादा हो गई, ठंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ये देखिए सूरज भी ढल रहा है और अब मुझे भी ठंड लगना शुरू हो गई है। अली मिला बेबी, मिला आयू मेरा शहजादा बेबी, बिठाओ बिठाओ से बाइक पे बिठाओ, मरियम से आगे बिठाओ, तुमको बाइक पे बैठना है आयू। और ये देखें आयु जो है ना अपने पापा के साथ चक्कर लगा रही है, इतने टाइम बाद बाइक पे बैठी आयु है ना, घूम रही है। चलो अंदर चलते हैं, आ जाओ मरियम तमन्ना, सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। खेल रहे हो? अच्छा और जैकेट का पता नहीं है? जैकेट तो पहनो, आप जैकेट पहनो, बहुत ठंड है। चलो और दोनों फ्रेंड्स क्या कर रही हैं, खाना खा रही हैं? खा लिया खाना। और मेरी बेबी तैयबा कैसी है? मम्मा की शहजादी कैसी है, ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम जहर भाई, ठीक खैरियत है? आए नहीं चाचू के पास नहीं जाना आए थे? नहीं अभी नहीं आए, देखे चाचू के पास जा ही नहीं रही, इतने टाइम बाद चाचू मिल रहे हैं। वो देखो मिशु सो गई है, रामीन को नींद आ गई है, नहीं आ रही। आप माओ को अपने साथ सुला रही हो? बाहर नहीं सोती माओ? माओ हर टाइम बिस्तर के अंदर सोती है। और मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा को नींद आ रही है? और यहाँ पर अब्बू सो रहे हैं आज, और वहाँ पर तमन्ना और तैयबा सो रही हैं, यहाँ पे मुस्तफ़ा और यहाँ पर मैं, और उस चारपाई पे पता नहीं अभी कौन सा सोएगा क्योंकि कौसर
और मेरे हस्बैंड जो है ना वो जो पास वाला रूम है मेरी जेठानी का वहाँ पर अभी बैठे हुए हैं। और ना ही आयत को नींद आ रही है अभी तक और ना ही मुस्तफ़ा को। आप क्यों नहीं सो रहे मुस्तफ़ा? पापा आए, पापा आ जाएंगे अभी, बैठे हैं ना, आ जाएंगे अभी। अच्छा ये देखें आयत को तो नींद आ गई है और मुस्तफ़ा सब सो गए हैं। अभी मैं दूसरे रूम में जाने लगी हूँ, देखती हूँ सब बातें कर रहे हैं वहाँ पे बैठ के। राबिया बाजी है, जायद भाई हैं, सब बैठे हुए हैं। दादा है और यहाँ पर देखें कि मेरे हस्बैंड शहजाद भाई, जायद भाई और राबिया बाजी और कौसर यहाँ पर बैठे हुए हैं और बच्चे भी देखें सो गए हैं। अच्छा काफ़ी देर अभी हमने बैठ ली अंदर, काफ़ी देर हमने बातें की हैं राबिया बाजी के साथ, बहुत देर बातें की है जायद भाई के साथ। अभी देखिए कितनी ज़्यादा भाई, ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, ठंड देखें बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अभी हम सोने के लिए जा रहे थे यहाँ पर, देखें मेरे हस्बैंड भी आए हुए हैं, आप वॉशरूम से होके आ गए यहाँ पर वॉशरूम। एंड में ना सोने से पहले सबको वॉशरूम याद आता है, क्योंकि वॉशरूम ना घर के वो एंड में कोने में बहुत दूर तक जाना पड़ता है। सर्दी में सबसे बड़ा काम रात को ना सोने के टाइम पे यही लगता है। तो सब वॉशरूम से होके आ गए हैं, एंड में मैं जाती हूँ और व्लॉग को भी यहाँ पर आकर एंड करती हूँ। दूसरी बात, आज पूरा दिन कुछ भी मैंने शूट नहीं किया, इस वजह से मामू की तबीयत सही नहीं थी। सुबह सुबह फिर हम वहीं चले गए और वहाँ पर हर कोई आया हुआ था मामू से पूछने के लिए, वहाँ पर भी वीडियो शूट नहीं की। और फिर वापस आए, और वापस आए तो फिर जाहिद भाई आ गए थे, फिर उनके साथ काफ़ी सारी फिर बातें। ये मेरे जो है ना, ये भी मेरे जेठ हैं, तो उस दिन मैंने बताया था जिस दिन मेरे हस्बैंड की शादी हुई थी, तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे बातें हुई थी, काफ़ी कुछ हुआ था। तो उसमें फिर बातें करते करते इतना टाइम हो गया कि वहाँ पे भी वीडियो कुछ भी शूट नहीं की, बस यही वजह थी। और इंशाल्लाह कल एक नया व्लॉग के साथ मिलेंगे, अच्छा व्लॉग होगा कल का। कल गेस्ट भी आने वाले हैं, यूट्यूबर भी हैं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल एक नया व्लॉग के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।